ज्ञान दत्तेसर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे 29,574 करोड़ रुपए के दान के बारे में। आप सोच सकते हैं क्या कोई ऐसा कर सकता है? जब हम आपको ये बता रहे हैं तब शायद आपके दिमाग में एक ही बात आ रहा होगा कि वह इंसान कौन होगा जिसने इतना बड़ा दान किया होगा। 29,574 करोड़ रुपये मतलब क्या हो गया? 4.6 अरब डॉलर। एक ही बात दिमाग में आती है और फिर वो नाम आता उभर कर, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स। 2000 के बाद ये सबसे बड़ा किया गया दान है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने लगभग 29,574 करोड़ रुपए मतलब 4.6 अरब डॉलर मूल्य के माइक्रोसॉफ्ट के 6.40 लाख शेयर दान कर दिए। इससे पहले वो 1999 में लगभग 1 लाख करोड़ मतलब 16 अरब डॉलर मूल्य का शेयर दान कर चुके हैं। सोमवार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को दी जानकारी में बिल गेट्स ने जानकारी दी। SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में दाखिल की गई जानकारियों से हालांकि इस बात का स्पष्ट पता नहीं चलता है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर का दान किसे किया है, लेकिन बिल गेट्स का बयान यह है कि वह अपने शेयर्स और धन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को उपहार स्वरूप देंगे, जिसकी स्थापना उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ही की थी। SEC में दाखिल जानकारी के मुताबिक मेलिंडा गेट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट के तकरीबन 4.25 लाख शेयर्स हैं। गेट्स फाउंडेशन की ओर से दाखिल टैक्स रिटर्न्स, सालाना रिपोर्ट्स और नियामक को दी गई जानकारी से पता चलता है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स साल 1994 से शेयर और कैश के तौर पर 35 अरब डॉलर का दान कर चुके हैं, मतलब 2.24 लाख करोड़ रुपए। बिल गेट्स ने अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट के साथ गिविंग प्लेज की स्थापना साल 2010 में की थी। उस समय से अब तक 168 दौलतमंद लोग उनसे जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा दान करने का संकल्प लिया है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।